भाई आगे से क्लियर हो जाओ भाई, साथ में क्या बात है, क्या बात है, राइट में देखो, राइट में सेंटर में भाई एकदम सामने भाई ऊपर ऊपर भाई ऊपर आज नहीं चिढ़ रहे यार, कौन चढ़ाइए ये अभिषेक सर को बुला लेना। अरे मनोज कंगना जी ऊपर काजल जी ऊपर, काजल जी ऊपर राइट में देखिए, राइट में सेंटर सेंटर यहाँ पे सर यहाँ ऊपर राइट में देखिए, राइट में राइट में राइट में देखो, राइट में सर सर इधर देखो ना, राइट में, राइट में मैम सेंटर सर सेंटर यहाँ पे राइट में ऊपर भाई ऊपर बस ओके ब्रो सेना जी सामने सेना जी ऊपर सर राइट राइट सर सनिका जी आपके राइट में इन्होंने नहीं कंप्लीट किया है, राशि ने किया है। और अरे कैसा इनका रोल मैं कर रहा हूँ पिक्चर में जी हाँ, जो यहाँ पर आदमी खड़ा है इनकी वजह से खड़ा है ये भी इनकी वजह से खड़ा है या कुछ नहीं, सब बड़ों का आशीर्वाद है जो हम लोग यहाँ हैं तीनों। व्हाट टू डू अब हमारी उम्र होगी आशीर्वाद देने की नेक्स्ट में आ रहे ना, कहाँ है अवनीश फ्रेंड है क्या है आई डोंट नो बट 75 इयर्स आई मिस माय फादर बिकॉज अगर सबसे ज़्यादा उन्हें खुशी कभी होती तो आज होती। 75 इयर्स अनुपम सर सलन भाई एंड ऊंचाई इज़ अ सब्जेक्ट जो लास्ट सब्जेक्ट था जो उनको पसंद आया था, उन्होंने ओके किया था, सो दैट्स व्हाई वी आर ऑल हियर एंड अनुपम सर हैज़ बीन सो सो काइंड एंड नाइस टू सेलिब्रेट दिस इमोशनल मोमेंट, वरना हम तो चुपचाप अपने अभी भी आगे के ही सपने देख रहे हैं कि अगली क्या बना रहे हैं। यू नो दिस
मैंने ये फिल्म नहीं देखी और बाकी डायरेक्टर्स के बारे में ऐसा कुछ बोल नहीं सकता बिना कोई फिल्म देखे, लेकिन इनके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि ये जो भी बनाएंगे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा बनाएंगे। और आई एम श्योर, आई डोंट नो कि नंबर्स क्या करेगी, लेकिन आई नो कि हर एक के दिल और दिमाग के अंदर ये फिल्म छा जाएगी, बस जाएगी, ये मेरी गारंटी। ट्रेलर तो आपने देखा ही होगा, और ऐसे टाइम पर ऐसी फिल्म बनाना सीनियर सिटीजन, हालांकि ये है नहीं अभी तो सीनियर में, लेकिन सीनियर सिटीजन के ऊपर फिल्म बनाना और फ्रेंडशिप के ऊपर बनाना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट फिल्म टू मेक। और जैसे मैंने ट्रेलर देखा, मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा कि व्हाट एन आउटस्टैंडिंग ट्रेलर, एंड द ओनली वन हु हैज़ दैट हार्ट, वो ना जिगरा टू मेक समथिंग लाइक दिस इज दिस मैन। बाकी सब प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, इसको ले लो, उसको डाल दो, ये दिस मैन इज समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पीपल दैट वी हैव इन द कंट्री, वी हैव इन दिस वर्ल्ड, इन दिस इंडस्ट्री। There is nobody better than Suraj Babu. मैं राजश्री फिल्म को नेशनल ट्रेजर कहता हूँ, नेशनल ट्रेजर है हमारा। The biggest soft power India has about cinema and about entertainment business is राजश्री Films. If there's anything that, I mean, culture-wise, you know, country-wise, emotion-wise, culture-wise, anything, you just watch a राजश्री film, you will get everything there. That is what. That's basically हमारी सभ्यता जो है वो राजश्री की पिक्चरों से ही निकलती है, वो आज के लिए है, ये है। One last question sir, next film में प्रेम लौट रहा है? प्रेम लौटेंगे ना। अच्छा, प्रेम लौटेंगे और ये प्रेम की शादी करा रहे पिक्चर करेंगे। प्रेम की शादी हो गई, रजिस्टर्ड पिक्चर रजिस्टर टाइटल, इन्होंने टाइटल भी अनाउंस कर दिया, इन्होंने पिक्चर का टाइटल भी अनाउंस कर दिया, प्रेम की शादी। देखिए, ये जो हम सब राजश्री की जो फिल्में हैं, दे आर सो आइकॉनिक, और हम सारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए इट्स अ बिग डे, क्योंकि आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री को भी लगभग कुछ 100 साल ही हुए हैं अभी तक, तो उसमें से राजश्री ने जो है वो 75 years, इनकी जो लेगेसी है इज़ दैट ओल्ड, और इनकी ये जो एनिवर्सरी है दैट इज़ अ कोइंसिडेंस विद द ऊंचाई फिल्म। सो आई होप दिस फिल्म इज़ ऑल्सो दैट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दैट लैंडमार्क फिल्म। तो हम लोग यही शुभकामनाएँ करते हैं, और इस दौर में जब फिल्म इंडस्ट्री को एक बहुत कामयाब फिल्मों की ज़रूरत है, आई होप ये एक इनका इस साल के तो वैसे सुपरस्टार यही है आफ्टर कश्मीर फाइल्स, ऐसे हम होप करते हैं कि ये फिल्म भी उतनी ही ज़्यादा कामयाब रहे। आपकी तो रहेगी कामयाब जी। एक्टर प्रिपेयर्स के लिए मैं इनको कहती हूँ कि मुझे बुलाइए कभी लेक्चर्स के लिए, इस लायक समझे तो आई वुड वांट टू शेयर बट माय एक्सपीरियंसेस विद द स्टूडेंट्स, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने भी ऑन द जॉब ही सीखा है सर, तो प्रोफेशनल थिएटर एक्टर थे, लेकिन आई वुड वांट टू समवे इट विल बी एन ऑनर फॉर मी टू गो एंड इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। और बाकी मेरी शुभकामनाएं सबको जो भी वहाँ पे अभी इस टाइम पे अपनी नई मंजिलों की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। वेल, राजश्री प्रोडक्शंस को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। 75 years उन्होंने कम्प्लीट किए हैं, इतनी सारी फिल्में हमें दी हैं उन्होंने, इतना सारा एंटरटेनमेंट, और उन्हीं की वजह से एक फैमिली थीम जो बनी है हमारी फिल्मों में, वो मुझे लगता है उसके जो रियल जो स्टार्टर्स हैं वो है राजश्री प्रोडक्शंस। उन्होंने ही शुरुआत की फैमिली फिल्म्स बनाने के लिए, और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज ऊंचाई का प्रीमियर है, सूरज जी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड द होल स्टार कास्ट एंड द होल टीम, ऑल द बेस्ट। आई मीन इट्स व्हाट ड्रीम्स आर मेड ऑफ। 75th year, मतलब इतने सालों से हम देख रहे हैं सूरज सर को, मैं तो उसी दिन से मतलब हवा में उड़ रही हूँ जब से सूरज सर ने मुझे फ़ोन किया था और ये फिल्म ऑफर की थी, एंड आई एम अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फिल्म बट इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पार्ट, एंड आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। जी
आई मीन ये तो होना ही था, बहुत ही पॉजिटिविटी से ये फिल्म बनी है एंड बहुत ही मतलब सूरज सर इज़ रियली द जेम ऑफ अ पर्सन एंड उन्होंने बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है, सो आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर इट विद द वर्ल्ड. थैंक यू गाइज, थैंक यू. बहुत बहुत अच्छी लगी ट्रेलर, और ख़ासकर क्योंकि मेरे सारे फेवरेट एक्टर्स हैं उसमें, डैनी अंकल, बॉनी सर, अनुपम सर, ऑफकोर्स द लेजेंड मिस्टर बच्चन. सो मुझे बहुत पसंद आई यार, आई रियली लाइक द ट्रेलर. मैं सूरज बरजात्या जी को कंग्रेचुलेशंस विश करना चाहूँगा फॉर द 75 ग्लोरियस ईयर्स एंड बस उम्मीद करता हूँ दैट ही कंटिन्यूज यू नो हिज प्रोडक्शन हिज एंटरटेनमेंट फॉर द नेक्स्ट हाउ मेनी एवर ईयर्स. मैं अभी कुछ दिन पहले इंडियन आइडल देख रहा था जिसमें सूरज बरजात्या जी आए थे, और हमें रियलाइज़ नहीं होता लेकिन हमारे कल्चर में मतलब एम्बेडेड है, हर शादी कोई फंक्शन पूरा नहीं होता उनके गानों के बगैर और उनकी पिक्चरों के जो रस्में होती हैं, तो इतना कल्चर लेके साथ में चल रहे, विच इज़ आई थिंक द नीड ऑफ द मोमेंट राइट नाउ फॉर आर इंडस्ट्री. एंड आई एम सो प्राउड दैट यू नो आई एम अ पार्ट ऑफ दिस, यू नो आई हैव बीन इनवाइटेड टू सी इट फर्स्ट. आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड एंड आई एम येट टू मीट सूरज सर. I'll see him, I think, inside. Thanks for coming. You've come so far, yeah. But it's been not been an easy journey. What is your advice for the students who have to prepare? The advice is that you should not give up. Keep hustling, lage raho life mein, and whenever you feel low, I think you should always sit with somebody who's elder. Because experience can never be matched with anything, and experience is what gives you motivation. And all these ups and downs are welcome. And it's going to be tougher and tougher for the new generation to come in right now. It's tough for me also to make it through now. It's becoming pan India right now. But there's so much of content, there's so much of talent coming from each and every part of the country. So I'm very, very happy. At the same time, it's going to be more tougher. So get up, buck up, and you have to be better than whoever it was. So. मैं राजश्री फिल्म में, अब मेरी दूसरी जो फिल्म थी इस करियर की वो राजश्री के साथ थी, और मैंने उनके साथ दो फिल्में की, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे लोग हैं, और मैं उन लोगों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ. इतने इन लोग चिल्लाते हैं क्या बोल रहे हैं, ये क्लियर आएगा वो. अब बस दो लाइन और बोल दीजिए बस. मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं राजश्री फिल्म्स को देती हूं, और अच्छे लोग हैं, अच्छी फिल्में बनाते हैं, साफ फिल्में बनाते हैं, और मैं चाहती हूं कि ये और भी आगे तरक्की करें और भी 75 इयर्स सेलिब्रेट करें. मैं सूरज जी के बेटे को देखना चाहती हूं एज अ डायरेक्टर. उम्मीद करती हूं तब तक मैं ज़िंदा रहूँगी. बहुत बहुत बधाई. I'm very, very happy to be here at this point. 75 years of Ranchi Productions is amazing. And I think Suraji deserves all the credit. Not only Suraji, but his father as well and his entire family. And I think they've set a standard for what family films look like. And I think Uchai is definitely carrying on the tradition. Oh my God, he's like 500, how many films old? 500 and... Lost count now. Here, Sam, how many? 500 and... How many films? 532. 532nd film. And he's the biggest box office star today. Having done 350 crores with Kashmir Files, 120 with Karthikeya, right? Yeah. And now Uchai, so I'm very happy. And this film, I personally love Suraj Barjatya a lot. He's one of my favorite directors. And one of the greatest actors is standing next to me. What can be a better occasion? So I am really looking forward to seeing one of the finest director and actors film. This is not the occasion, we'll do it at some other time, but I think actors should look at these people and learn acting. They are institutions by themselves. And this is such a wonderful thing. Everybody who's ever been a favorite is here. There's Kher Saab, of course, there's Amit Ji, there's Danny Ji, there's Baman, and to top it up, Suraj just directed the film, so really looking forward to watching this. I'm sure it's going to be a spectacular as always. I'm here to wish Suraj Ji for the 75th year. They're celebrating 75 years of Ratri, and
I had to come and wish Suraj ji because he's one of my favorite filmmakers, and Rajshri is the company who we've always kind of idolized. Theek hai, theek hai. Can you repeat the last line, ma'am? Yes. And like as actors, we've always idolized Rajshri films. And Suraj ji is somebody who I've always admired as a filmmaker. And when he called and said that it's 75 years celebration of Rajshri, I had to come and wish him personally. It's a great privilege and pleasure to be here at the grand premiere of Unchai. Anupam Kher ji, Boman Irani ji are my very good friends, and it's such a privilege to be here as well. Rajshri Films, what can I say, 75 years of spreading goodness, spreading values, spreading the culture of this country. In fact, Rajat Bajatya ji was a good friend of mine, and the year he passed away, he had come to meet me and see if we could collaborate, do something on YouTube. And when we were just planning to do it, he left. And I really couldn't connect back. So I feel it's like a tribute to him too, to be able to come here of the 75th year of Rajshri, and I feel very grateful to be here. Sir, any advice from you to future actors of Actor Prepares? Because you've seen it all, so maybe it'll make a difference to people who aspire. Yes, I think when it comes to the entertainment industry, I feel to be yourself and to be very authentic to who you are is extremely crucial, rather than miming somebody or being like somebody else. The USP is to be who you are, and that's what really brings you to where you want to be. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. मैडम आज मैं आपसे स्टार्ट करूंगा ऊंचाई का ट्रेलर आया है बहुत ही हैप्पी सी फील करें आप बताइए आपके लिए ट्रेलर के बारे में क्या कहना है मैं पहले ट्रेलर रुकल है मैं पहले ट्रेलर देखा तो आई रियली क्राइड अ लॉट आई रियली लव्ड इट इट वाज एक्सट्रीमली टचिंग तो जरूर का फोन आया मुझ पे और फोन उठाते ही मैंने आवाज़ें सुनी मेरे को क्या हुआ रो रही थी मेरे को क्या हुआ जल्दी बोल मैंने ट्रेलर देखा बहुत रोना आ रहा है हाँ तो उनकी उनके जो फीलिंग्स रियल होते कभी भी फेक फीलिंग्स नहीं होती ज़िनोबिया की तो उन्हें इतना पसंद किया और बार बार देखती गई और रोते गई और केटिको में भी रोती है और हाँ हाँ करते हुए भी रोती है हेलो एवरीबॉडी 75 साल हो गए राजश्री के खेर साहब ने मुझे फ़ोन करके बोला जो भी आपके प्रॉब्लम्स है जो भी आपके कमिटमेंट्स है डेट्स के प्रॉब्लम है सब कुछ भूल जाओ बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री और ये हिस्ट्री है 75 साल है राजश्री के और मैं उस हिस्ट्री के मैं मौजूद हूँ मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ और ये फिल्म ऐसी बनी है कि इट्स पार्ट ऑफ माई हार्ट हिस्ट्री तो अलग है लेकिन इट्स पार्ट ऑफ माई हार्ट एंड विल बी विथ मी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ हमेशा हमेशा के लिए मैं अपने आप को समझूंगा कि मैंने कुछ अच्छा ही किया पिछले जन्म में या ये इस जन्म में कि मुझे ऊंचाई में काम करने का मौका मिला स्टूडेंट ऑफ एक्टर प्रिपेयर्स के लिए मैं क्या एडवाइस दे सकता हूँ टेक्निक सीखो बिल्कुल वॉइस मॉड्यूलेशन सीखो अपनी बॉडी भी बनाओ बहुत कुछ करो एक्टिंग लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण एक क्वालिटी होनी चाहिए बच्चों में यंग एक्टर्स में अंदर से ट्रूथ को ढूंढो ट्रूथ की खोज करो और जब तक ट्रूथ नहीं होगा तो जितने भी आप टेक्निक करो या बोलेंगे हम मेथड एक्टर है या आप डायलॉग पे मेहनत करेंगे उसका कोई मीनिंग नहीं कोई अर्थ नहीं है फाइंड द ट्रूथ इन योर हार्ट और वही एक्टिंग सबसे अच्छी होती है एक्टिंग एक्टिंग नहीं मानी जाती है नहीं नहीं मैं बोल चुका हूँ पूरे राजश्री परिवार का प्यार जो है 75 साल से जनता को मिल रहा है और ऐसे ही मिलता रहेगा आगे भी है ना तो बहुत ही प्यारे लोग हैं और जैसे लोग हैं वैसी फिल्में बनाते हैं दिल से जुड़ी हुई परिवार से जुड़ी हुई भावनाओं से जुड़ी हुई पता नहीं कैसे लग रहा है जाके पता चलेगा वेरी एक्साइटेड It's the most amazing experience. It's a lifetime experience working with Suraj ji. I have never experienced something. He is an amazing director, human being, soft-spoken, kind, innocent,
and very good at his work. He knows what he wants, so it has been a pleasure working with him. We are here to wish, congratulate one of the biggest directors of the industry, Suraj Bajatia ji, for making such an inspirational and a brilliant film. On behalf of the industry, I would like to compliment him. I would like to thank him for making such a beautiful film. Congratulations to the cast and the entire team of Suraj Bajatia the Great. Thank you so much. Thank you, Ashok ji. Thank you for leading us so well. Thank you. This is such a special occasion. 75 years of Rajshri. Hum Aapke Kaun is the only film I've seen thrice in my life. The only film, because I loved it so much. And it's such a pleasure and an honor being here this evening. Uncha is a film that is looking absolutely fantastic. Really looking forward to watch it. All the very best and see you later. मैं राजश्री फिल्म को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ उसकी 75वीं सालगिरह पर, और मुझे सौभाग्य मिला है उनके साथ कुछ फिल्में करने का, और मैं इस बात का भी इच्छुक हूँ कि आगे जाके भी एक आध दो फिल्म कर सकूँ, और बहुत बहुत मुबारकबाद इतने इतने महारथी मिलके एक फिल्म में आ रहे हैं राजश्री की, ये भी बड़ी खुशी की बात है। आगे जो कुछ भी पर्दे पे देखूंगा बाद में आप लोगों को बताऊंगा क्या हुआ क्या नहीं। थैंक यू वेरी मच। वेल एक्टर कम्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द टाइम ही इज बोर्न, और एक्टर इज बोर्न। एन एक्टर कम्स टू दिस वर्ल्ड प्रिपेयर्ड, वेदर अ मेल और अ फीमेल। All that it needs is to get the right direction, right goal, and the actor is made. That's what I say to every actor. Thank you, very best. राजश्री के 75 साल। अरे सर, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि आज राजश्री के जो हैं 75 साल, माय गॉड, एक मतलब 75 साल बीते हैं, और इन 75 सालों में मुझे लगता है कि राजश्री ने अनगिनत यादें जो फिल्मों की है वो हमारे बीच छोड़ी है। उनकी इतनी खूबसूरत खूबसूरत फिल्में, इतनी खूबसूरत खूबसूरत फिल्में जो हैं इनकी आई हैं कि जो आज भी लोगों की फेवरेट है, और इनकी फिल्मों के अंदर हमेशा बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस आए हैं। बहुत ही हंसने वाली और बिल्कुल गुदगुदाने वाली और फैमिली वाली फिल्म है। सो मेरी सारी मुबारकबाद सूरज बड़जादे जी को, और राजश्री के सारे 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 ब्रदर्स को। बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। इट्स अमेजिंग एंड आई बिलीव दिस इज़ अ हार्ट टचिंग फिल्म, एंड सूरज इज ऑलवेज बीन माई फेवरेट। आई डिड माई लास्ट फिल्म हम साथ साथ हैं विद देम, एंड ऑल्सो डन अली बाबा मर्जीना। I'm really looking forward for this film, and God bless, and let's all wish this film all the best. Haan ji, it feels really emotional ke 75 years ho gaye hain. My uncle was very associated with Rajshri, chahe wo Tarana hoti, chahe wo Agent Vinod hoti, and then I have a very close association with them. And I wish them all the very best. I'm so happy Uchai has come with some of my very favorite people. So wishing them all the best. It has been a humbling experience to work with Rajshri Productions. I'm a part of their family, and I'm absolutely ecstatic that they've completed 75 years in the industry. And God bless them. Of course, Uchai also, the promos are extremely promising, and I mean, what can I say, veterans of the industry, Anupam Kher ji, Boman Irani ji, and Amit ji, and Danny ji, I'm really looking forward to seeing the film. Should be a great film. Seems very exciting. हाँ जी, 75 ईयर कंप्लीट किया है राजश्री जी। आई वांट टू कंग्रेचुलेट राजश्री प्रोडक्शंस। आई स्टार्टेड माय करियर विद सारांश, विद अनुपम जी, एंड यू नो दिस इज सच अ वंडरफुल मोमेंट, बिकॉज इट्स वेरी पर्सनल फॉर ऑल ऑफ अस। सेलिब्रेशन का मौका चल रहा है, बहुत बड़ी खुशी है। जी 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 जी, क्या कुछ कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए? कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए आलिया? ये क्या
कह सकते हैं कि ये मतलब दान है, ब्लेसिंग है, कुदरत का दान है. सो वी आर जस्ट वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल दैट एवरीथिंग इज गॉन ऑफ वेल. बेबी इज गुड, मदर इज गुड, एवरीबडी इज सेफ. यू नो ये सब डर होता है जब किसी का बच्चा पैदा करने वाले हैं, किसी को बच्चा पैदा करने वाले हैं. तो दिस इज व्हाट वी प्रे फॉर दैट एवरीथिंग शुड बी ओके, सही सलामत हो जाए. एंड ऑफ कोर्स वी आर वेरी वेरी हैप्पी. आपने कुछ अपनी तरफ से टिप्स दिए, आपने कुछ की ऐसे? हाँ हाँ, बहुत सारे टिप्स देते रहे. एक माँ हूँ मैं, तो टिप्स कैसे नहीं दूंगी, बहुत सारे टिप्स दी हूँ. बट ऑफ कोर्स शी इज अ मदर, शी हैज टू डिस्कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर हरसेल्फ व्हिच शी विल डू. तो बेबी एंड आलिया सब अभी ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास है. फर्स्ट क्लास सब तक सब आ जाएंगे घर पे हैं? वो मुझे नहीं पता, बट आएंगे थोड़ी देर. आई कांग्रेचुलेट राशि प्रोडक्शंस फॉर कंप्लीटिंग 75 इयर्स. And my family and Rashi Productions family, Barjatias and Roshans, have a very, very long association. My father, Roshan, was a music director for his film, Tarachand Barjatia's film, Aarti. It was released in 1962, so I know this family since then. And I wish them all the success. This film is looking very, very वेरी वेरी फ्रेश एंड वेरी वेरी नाइस. बहुत ऊंचाई पे चलेगी, बहुत ऊंचाई पे जाएगी. थैंक यू. माता जी आपको क्या लग रहा है आज यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना? और क्या, दुलारी रॉक्स बोल दो एक बार. दुलारी रॉक्स बोल रही है. बहुत मैं क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं, क्योंकि मैं राशि प्रोडक्शन में उनके ऑफिस में बहुत सालों पहले जाया करता था. और मैं तो हाँ जी, मैं जी बहुत साल पहले एक बिग फैन. थैंक यू, थैंक्स. मेरी खुशनसीबी कि वो टाइम पे मैं ताराचंद बड़जात्या जी थे, तभी मैं उनके ऑफिस में गया. ज़माने में कपूर साहब हुआ करते थे, फिर गुप्ता जी, फिर उसके बाद हमारे सूरज बड़जात्या, उनके घर पे गया था मैं, घर पे गया. उसके बाद मैं फिल्म में उनके काम किया कई सालों बाद. तो सूरज बड़जात्या के साथ काम किया, उन्होंने कहा आपको याद है पहली बार कहाँ मिले थे? बोले हाँ, तो पहली बार मिल रहा हूँ, मेरे बर्थडे पे आए थे. तो ये है, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. 75 साल हो गए और राजश्री ने कईयों को ब्रेक दिया, कईयों को ब्रेक दिया, कई डायरेक्टर्स कई एक्टर्स खड़े हुए राशि प्रोडक्शन से. और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं ऊंचाई के लिए, अनुपम खेर के लिए, सबके लिए. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. और मेरे ख्याल से इतने सालों से राजश्री फिल्म बना रही है और मैं हमेशा फ़ैन रहा हूँ राजश्री पिक्चरों का. जीवन मित्रु, गीत गाता चल, जितनी पिक्चर, चिकचोर बोलो, मैंने प्यार किया बोलो, दोस्ती, पुरानी पिक्चर मुझे याद है. और एक अलग ही उनका जर्नी, अलग ही फिल्म रही है जो हमेशा हम लोग पूरे पारिवारिक के साथ देखने वाली फिल्म होती है. एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज पिक्चर देखने के लिए. महावीर जी थैंक यू सो मच. इस तरह का आपने एक फिल्म के साथ एसोसिएशन रखा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि राजश्री इतना बड़े लेजेंड्स और इतने अच्छे लोग हैं. वो लोग पूरा परिवार भर जाते हैं, परिवार को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ बहुत सालों से. एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी हियर. थैंक यू मधुर भाई, थैंक यू वेरी मच. मुझे लगता है राशि प्रोडक्शंस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है हिंदी सिनेमा में बहुत ज़्यादा है. 75 सालों से बहुत सारी, जब से मतलब जनरेशन्स ऑफ जनरेशन्स ऑफ मूवी गोअर्स को एंटरटेन कर रहे हैं. और मुझे लगता है चाहे वो मेरे पहले की जनरेशन हो, आज की जनरेशन हो, मेरे बाद की जनरेशन, सभी राशि प्रोडक्शंस की फिल्मों के बहुत बड़े फैन रहे हैं, प्रशंसक रहे हैं. और ऊंचाई इस फिल्म के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ प्रीमियर के लिए. बहुत बहुत शुभकामनाएं. बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सूरज जी का और उनकी फिल्मों ने मतलब मुझे ही नहीं बल्कि पूरे देश को प्रेरित किया, एंटरटेन किया है. They have given one of the biggest blockbusters Indian cinema has ever seen. So I really wish them all the best and I'm here to support them. Thank you. नहीं, मुझे लगता है कि ट्रेलर इज डेफिनेटली एंटरटेनिंग और ऑल माई फेवरेट एक्टर्स आर इन वन फ्रेम, स्टार्टिंग विथ अमित जी, पवन साहब, अनुपम खेर साहब है, डैनी डेंजोंगोव साहब है और परिणीति है. तो इट्स वंडरफुल.